ये देश गांधी का देश है। और मजेदार बात देखिए कि जिस नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी जवानी जय गुड से जय गुड से जय गुड से करके बिताई थी, जब बुढ़ापे में देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो उस गांधी की ताकत देखिए कि वो गांधी के सामने झुकते हुए माला चढ़ाते हुए सोचता होगा कि हमने एक बार इसको मारा, ये हर साल 2 अक्टूबर को हमको थप्पड़ मारता है, हमको झापड़ मारता है। ये गांधी की ताकत है, ये हिंदुस्तान की खासियत है। जिसको हिंदुस्तान समझ में नहीं आ रहा, वो डर रहे हैं या वो लोगों को डरा रहे हैं। मैं कहता हूं न डरने की जरूरत है न डराने की जरूरत है। ये देश हमारा है, ये देश हमारा था और ये देश हमारा रहेगा। इस देश को हम किसी भी सूरत पे बटने नहीं देंगे, इस देश को हम किसी भी सूरत पे टूटने नहीं देंगे। अरे एक बार तो कोई भी किसी को अपने जाल में फंसा लेता है। हम एक बार जिन्ना और सावरकर के जाल में फंस गए, अगली बार हम नहीं फंसने वाले हैं। बिल्कुल, अगली बार हम नहीं फंसने वाले हैं, क्योंकि वो इतिहास आज हमारे सामने है। इसीलिए जब आज 15 अगस्त है और मैं बंगाल की पवित्र भूमि पे खड़ा हूं, तो मैं आप तमाम लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। अगर विभाजन का सबसे ज्यादा दर्द इस देश में किसी राज्य ने झेला है, तो वो बंगाल की धरती है और वो पंजाब की धरती है। पंजाब में एक बार ऑलरेडी एक आंदोलन खड़ा हुआ, वो आंदोलन दबा और उसका दंश पंजाब झेला था। बंगाल में वही कोशिश आज हमारे साथ की जा रही है। याद कीजिए कि बंगाल जब पार्टीशन होने की बात शुरू हुई 1946 में, कितना बड़ा दंगा हुआ था, पूरा का पूरा कलकत्ता जल रहा था और गांधी को नौवा खलिया करके बैठना पड़ा था उस दंगे को शांत कराने के लिए। तब तो जिन्ना नहीं आए थे, सावरकर भी नहीं आया था, गोडसे भी नहीं आया था, हेडगेवार भी नहीं आया था, और वो तमाम लोग जिनको आज मोदी जी पूजते हैं, वो तो नहीं आए थे उस दंगे को बंद कराने के लिए। वो महात्मा एक डंडा लेकर के हिंदुस्तान में उस दंगे को शांत कराने के लिए बंगाल की धरती पर आया था। आप इस बात को समझिए कि भाजपा फिर से बंगाल को विभाजन के उस दौर में ले जाना चाहती है। इसीलिए बार बार हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि असली मकसद ये है कि लोग आपस में धर्म के नाम पे लड़ते रहें, लेकिन उनके जीवन में जो बेकारी आई है उसके खिलाफ वो कोई लड़ाई ना लड़ें, उनके जीवन में जो गुर्बत बढ़ी है, जो गरीबी बढ़ी है, उसके खिलाफ वो कोई लड़ाई ना लड़ें। किसान जो आज आत्महत्या कर रहे हैं, किसान के बच्चे सड़कों पे ना निकलें, बड़ी मुश्किल से पढ़ने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, MBA करने के बाद डिग्री लेकर के आप दर दर भटक रहे हैं, लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 100 में से 45 लोग आज बेकार हैं। इसीलिए हर वो नीति जो सरकार कहती है कि हम विकास के लिए लेकर के आए हैं, दरअसल उसका नियत इस देश में सांप्रदायिकता की जहर को फैलाना है, इस देश में धार्मिक झगड़े को बढ़ाना है, इस देश में धार्मिक उन्माद को बनाना है। जब अंग्रेजों ने देखा कि ये देश इतना विविध है, तो इस देश पर राज कैसे किया जाए, इस देश पर शासन कैसे किया जाए, तो अंग्रेजों ने एक तरकीब निकाली, जिस तरकीब का नाम है डिवाइड एंड रूल। फूट डालो राज करो। और यह जो फूट डालो राज करो की परंपरा है, अंग्रेजों से अगर ईमानदारी से कोई सीखा है तो वो भाजपा है, वो ये संघ परिवार के लोग हैं। अब आप पूछिए कि ये फूट डालो राज करो की नीति इतना बढ़िया ये सीख कैसे लिए, क्योंकि पढ़ने लिखने में भारी कमजोर होते हैं। मोदी जी अपना सर्टिफिकेट आज तक नहीं दिखाए हैं। तो एक बात बताइए, आपके घर में यदि तोता हो तो तोता को अगर बार बार बोलिएगा मिठू बोलो राम, तो तोता भी बोलेगा मिठू बोलो राम, तोता मिठू बोलने लगता है। ये आजादी के आंदोलन में नहीं थे,
ये अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा कर रहे थे, इसीलिए फ्यूट डालो राज करो की नीति को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए हैं। और इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। बहुत आसानी से जब हम लोग आपस में लड़ रहे थे, उसका फायदा उठा करके अंग्रेजों ने इस देश पर 200 साल तक राज किया। और अंग्रेज जब जाने लगे तो कहा कि कुछ ऐसा करके जाते हैं कि 15 अगस्त को जब ये लोग आजादी का जश्न मनाएं तो हमको याद नहीं करें, एक दूसरे को गाली देते रहें। एक बात सोच करके हमको बताइए, 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी ब्रिटेन से मिली, 15 अगस्त को हिंदुस्तान को आजादी ब्रिटेन से मिली, लेकिन 14 अगस्त को आप पाकिस्तानी चैनल खोल करके देखिए तो वो हिंदुस्तान को गाली दे रहे हैं, और 15 अगस्त को हिंदुस्तानी चैनल खोल करके देखिए तो वो पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं। आजाद हुए ब्रिटेन से, लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ, और गाली एक दूसरे को क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि हम तो जा रहे हैं लेकिन फूट डालो का बीज छोड़ करके जा रहे हैं। आप सोच करके हमको इस बात को बताइए कि जो बात 1947 में कही जा रही थी पार्टीशन के वक्त, क्या आज उन्हीं बातों को नहीं दोहराया जा रहा है? और किसके नाम पे दोहराया जा रहा है? धर्म के नाम पे दोहराया जा रहा है। एक बात सोच करके हमको बताइए, जिन्ना साहब कभी मस्जिद नहीं गए थे, अचानक से उनको इस्लाम की याद क्यों आ गई थी? सोचे हैं इस बात पे कभी? और हिंदू महासभा का नेता सावरकर कभी मंदिर नहीं गया था, अचानक से उसको हिंदुओं की कैसे याद आ गई थी? अपने दिल पे हाथ रख करके एक बात हमको बताइए, अगर कोई सच्चा धार्मिक व्यक्ति है, चाहे वो मंदिर जाता हो या मस्जिद जाता हो, चाहे वो गुरुद्वारा जाता हो या चर्च जाता हो, एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति कभी भी इस बात से खुश नहीं हो सकता कि उसके धर्म के नाम पर, उसके भगवान के नाम पर लोगों का खून बहाया जाए। इस बात को आप महसूस करना शुरू कीजिए। धार्मिक होने का मतलब सांप्रदायिक होना नहीं होता है। यह जो कांवरिये कांवर लेकर के जल उठा करके जा रहे हैं, ये सांप्रदायिक लोग नहीं हैं, ये धार्मिक लोग हैं। और कई बार धर्म तो हम लोग फैशन में भी करने लगते हैं ना, आनंद में भी करने लगते हैं, देखा देखी में भी करने लगते हैं। बाबूजी अगर 5 वक्त के नमाजी हैं तो बेटा अगर उनको फॉलो करता है तो वह भी 5 वक्त का नमाजी बन जाता है। बाबूजी अगर रिलीजियस हैं, माँ अगर रिलीजियस है तो बच्चा भी धीरे धीरे रिलीजियस बन जाता है। हमारा देश एक रिलीजियस देश है, और रिलीजन को अपनाने के लिए किसी पाठशाला में जाने की जरूरत नहीं है, आप परिवार में ही रिलीजन को अपने आप अपना लेते हैं। हमारा जो एक एक त्योहार है, उस त्योहार में हमको हमारा रिलीजन पता चलता है, हमारे नाम से हमारा रिलीजन पता चलता है, हमारे रिचुअल से हमारा रिलीजन हमको पता चलता है। रिलीजियस होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन रिलीजन के नाम पे खून खराबा करने में बुराई है। ये रिलीजन के भी खिलाफ है और ये इंसानियत और मानवता के भी खिलाफ है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और एक बात और मैं आपको बताता हूं, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत घबराइए। मैं किसी भी जलसे में जाकर, किसी भी मंच पे जाकर हिंदुस्तान की आवाम को डराता नहीं हूं। इसलिए नहीं डराता हूं क्योंकि हमको पता है कि ये सिर्फ शोरगुल है, ये सिर्फ हवाबाजी है, इससे होना कुछ नहीं है। ये बात मेरी मान लीजिए आप, हिंदुस्तान में इस तरह की कोई चीज नहीं चलने वाली है जो एक्सट्रीमिज्म पे आधारित हो, जो अतिवाद पे आधारित हो। इस बात को आप जान लीजिए। जब मुगल आए थे हिंदुस्तान तो उनको भी ये बात समझ में आ गई थी कि तलवार के नोक के दम पर तो इस देश को राज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अकबर की शादी जब हुई जोधाबाई से, तो खुद अकबर 1 महीना कृष्ण का झूला सावन में झूलाते थे बैठ करके। और जब दुनिया के दूसरे बादशाहों ने अकबर से पूछा
कि कौन से मुसलमान हो, तो अकबर ने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान है। जो लोग काम करने के लिए दुबई जाते हैं और गल्फ में काम करते हैं, उनसे अक्सर ये बात पूछी जाती है, कहां से आए हो? तो बोलेगा कि हिंदुस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं। तो कहेगा कि तुम लोग सब बुत परस्त मुसलमान हो। आप लोग कभी गौर किए हैं, 786 का कैलेंडर सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान ही अपने घर में लगाते हैं, दुनिया के मुसलमान नहीं लगाते हैं। और 786 नंबर का बिल्ला हिंदुस्तान के सिनेमा में ही अमिताभ बच्चन का होता है, कुली नंबर एक में। यह हिंदुस्तान का कल्चर है। इस देश को इतनी आसानी से नहीं अलग किया जा सकता है, क्योंकि यह देश एक दिन में नहीं बना है। आरएसएस 1925 में बना, उससे पहले भी देश था, और आरएसएस जब खत्म हो जाएगा तब भी यह देश रहेगा। यह देश की खासियत होती है। बीजेपी 1980 में पैदा हुई, उससे पहले भी देश था। हो सकता है कि बीजेपी 5-10 साल में निपट जाए, तब भी देश रहेगा, क्योंकि ये देश की खासियत होती है। जो लोग आज देश को नहीं समझ रहे हैं, असल वो लोग घबरा रहे हैं। मुझे तो कोई घबराहट नहीं होती है।